विधानसभा चुनाव के नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में आए प्रत्याशियों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद के 9 विधानसभा के प्रत्याशियों का नामांकन होगा, जिसके लिए 9 न्यायालय बनाए गए हैं तथा सभी न्यायालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और बाहर परिसर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्ट्रेट में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करेगा तो वह सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा तथा नामांकन के लिए एक प्रत्याशी के साथ 2 प्रस्तावक सहित कुल 3 व्यक्ति ही अंदर आ सकेंगे, जिसके लिए बैरिकेडिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि गेट पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा चेकिंग के बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, नामांकन के लिए न्यायालय में सीसीटीवी लगाओ बैरिकेडिंग की जा रही कलेक्ट्रेट परिसर में। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह डिप्टी डीओ गोरखपुर हूं। आपको सूचित करना चाहता हूं कि कलेक्ट्रेट परिसर में जनपद की सभी 9 विधानसभाओं का नामांकन होगा। ये जो हमारे कोर्ट रूम है, प्रत्येक कोर्ट रूम में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लग रहा है। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ प्रवेश करेगा वो सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा। इसी प्रकार से जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके साथ 2 ही व्यक्ति और आ सकेंगे, कुल मिला के 3 व्यक्ति एक नामांकन के लिए आ सकेंगे। तो चारों तरफ बैरिकेटिंग की गई है, आगे DFMD लगा रहेगा, सुरक्षा जांच के बाद वे अंदर प्रवेश करेंगे और नामांकन करेंगे।